अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सैयद शाकिर अली, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अब्बास और खुश आमदीद हमेशा की तरह और हमेशा की तरह मौजूद हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं अगेन वो एक मूवी का ट्रेलर है जिसका नाम है बॉब बिस्वास। तो इसमें चलते हैं देखते हैं। इससे पहले लेकिन शाकिर भाई, बॉब बिस्वास जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करना ना भूलिएगा और इस तरह प्यार बढ़ाते रहें। तो हम चलते हैं बॉब बिस्वास। तुम्हें याद है तुम्हारी एक बीवी है, बेटा है, बेटी भी है, याद है कुछ? So it's a big day today, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा। इसीलिए तो आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो मैं अपनी खोई हुई याददाश्त को ढूंढने के लिए अपनी पुरानी जिंदगी में जाना हूँ। क्या लगता है, याद है? नाटक कर रहा है? 200% नाटक। चड्डी में अगर थोड़ी सी हलचल बाकी हो ना, ऐसी मीमी को कोई नहीं भूल सकता। हमारा काम है अच्छाई और बुराई के बैलेंस में नजर रखना। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए? आपको कुछ याद ही नहीं है ना? नहीं, सब में एक बात कॉमन है, इन सबको आपने मारा है। आपको फिर से काम पे लगना है, लेकिन इस बार आप सिर्फ हमारे लिए काम करेंगे। मैंने ये काम पहले भी आप लोग के लिए किया है। क्या बताऊं, आपको याद आ जाए तो बता देना। कब तैयार है? तैयार सर, फौरन शुरू करो। आपने मुझे एक फोटो भेजा है, आपका पहला काम। पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ये सब मुझे करना चाहिए या फिर मैं इसी काम के लिए बना? यही तो जीवन बाबू, हम सब वही काम कर रहे हैं जिसलिए हमें बनाया गया। काम खत्म होने के बाद आपका क्या करेंगे सर? पहले काम शुरू करो, खत्म करो, फिर वो आपका सोचना। शिफ्ट कर जाए, वो भी कालिंपोंग अच्छी जगह है, बहुत पैसे लग जाएंगे जो हमारे पास नहीं। हमारे पास पैसे नहीं? तेरे पास भी पैसे नहीं है? है लेकिन याद नहीं है। एक आदमी है बॉब बिस्वास, अच्छा आदमी लगता है पर न जाने क्यों आई फील किसी तरह सबसे जुड़ा हुआ। हमारे लाइन में एक जोक है, क्लाइंट और मौत कभी भी बुला सकते। प्रॉमिस कर तभी छोड़ते नहीं जाओगे। नमस्कार बॉब बिस्वास। एक मिनट जी जनाब, 3 दिसंबर को आ रही है बॉब बिस्वास, बहुत शानदार फिल्म और बड़ा यूनिक सा इसका कंटेंट है, कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर से ही है। क्योंकि एक शरीफ सा बंदा, उसकी याददाश्त गुम हुई हुई है, अब उससे जो लोग काम ले रहे हैं, आया कि उसने पहले किया है या नहीं किया, वो इसी सिस्टम में चल रहा है, वो तो पूरी फिल्म देखें पता चलेगा कि वाया कि वो पहले शरीफ था या उसको बेवकूफ़ बना के उसे काम लिया जा रहा, मरवाया जा रहा लोगों को उस टाइप का। तो एक पूरी फैमिली भी उसकी, फिर वो किलिंग भी कर रहा है, फिर उसके पीछे कुछ लोग भी लगे हुए हैं। तो एक बड़ा एक मुश्किल से सस्पेंस से मूवी है। पहली बार मैंने देखा है कि जो अभिषेक बच्चन उसको किसी इस तरह के रोल में, वरना नॉर्मली उसको ना अभिषेक था, मैं पहचाना ही नहीं इसको, अभिषेक बच्चन लग नहीं रहा था जो बहुत चेंज, मैं तो पहचाना ही नहीं इसे, गेटअप से जबरदस्त किया उसका। हां वो उसने दूसरा अपना कैरी करा हुआ, ये बड़ा अच्छी चीज है कि, और जो मेरे ख्याल बंगाली विश्वास बंगाली वो एक्सेंट पकड़ा हुआ है तो इंटरेस्टिंग। मुझे तो ट्रेलर ऊपर से गया भाई, साफ सी सी बात है, अच्छा लगा उसमें दिखाया है कि यानी सस्पेंस है, किसी को आप गेस नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बड़ी अच्छी फिल्म, अच्छी फिल्म की पहचान होती है। हाँ, और ये हो रही है, प्रीमियर हो रही है, मतलब उस पर आएगी, ऑनलाइन आएगी 5 दिसंबर को। अच्छा इंडिया में दोबारा से गेस पड़ा ना, हम अलग से हमारे पाकिस्तान में तो खुल गया वो, क्या हुआ सिनेमा फिर नहीं पता नहीं उनकी मर्जी है, सिनेमा में कोई ना कोई मसला होगा, मालिक लोग हैं, जो चीज़ पैसा सरना मिलता है वो थोड़ी। आई डोंट नो, बट ये आ रही है 5 दिसंबर को उस पर जी के, उस पर जी ओरिजिनल पे, तो आप सब देख सकते हैं अगर हमें मौका मिला इंशाल्लाह। जो कि हम कभी नहीं देख सकते, हम कब देखते हैं? देख लेता हूँ मैं, देख लेता हूँ, इंटरेस्टिंग थी मूवी, इंटरेस्टिंग। कुत्ता अकेला अकेला देख लेता, हमें दिखाता भी नहीं है ना, कोई छुप छुपे ना छेकड़ में से देख लेता, ये करके इसमें देख लेता उसका, लेकिन इंटरेस्टिंग था ट्रेलर, बहुत इंटरेस्टिंग था। और आज के लिए इतना ही मेरे ख्याल से, बाकी आप कुछ कहना चाहें आप गालियाँ बके आप कुछ भी कह रहे, क्योंकि हम जो बोलते हैं हम उसे कर ही नहीं पाते पूरा, हमेशा बोलते हैं कि आपके गैप नहीं आएगा और अच्छा काम करेंगे, दिखाएंगे, बताएंगे, मगर फिर वो हम भूल जाते हैं, फिर कोई ना कोई कभी ये बिजी, कभी रिजवान बिजी, कभी मैं बिजी, तो हमारे खुद की अपनी गलतियाँ भी हैं कि हम वाकई टाइम नहीं दे पा रहे इस चीज़ को।
और कुछ हमारा दिल टूट गया क्योंकि आप लोगों ने भी सब्सक्राइब कम कर दिए हैं, व्यूज़ कम कर दिए हैं, तो फिर हमारा दिल भी टूट गया, तो हमने भी काम कम कर दिया है। तो इस पर गलती आप लोगों की नहीं है, हमारी है, क्योंकि हम अच्छी चीज़ नहीं दे रहे तो इसलिए लोग क्यों देखेंगे। तो हम कोशिश करेंगे बेहतर करने का। बस हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ना भूलिएगा। याद दीजिएगा, लाफ फेस, लाफ।